हेलो एंड वेलकम इन श्रद्धा रेसिपीज़। आई एम श्रद्धा और आज मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी पेस्ट, परफेक्ट कॉफ़ी पेस्ट। तो कॉफ़ी पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी पाउडर, कोई भी कॉफ़ी पाउडर आप ले सकते हैं। ये मैं 3 टेबल स्पून लूँगी, ये हमारा टेबल स्पून है यानी बड़ा चम्मच, और इससे मैं 3 बड़ी चम्मच लूँगी। और ये हमारा शुगर पाउडर है, इसका मैं 4 चम्मच लूँगी, बस कॉफ़ी से जस्ट 1 चम्मच ज़्यादा। और ये सारे इन्ग्रीडियंट को मैं मिक्स करूँगी। और ये हमारा मिल्क है यानी दूध है, इसे जस्ट मैं 2 टेबल स्पून लूँगी या जैसे मुझे ज़रूरत लगेगी उसके अकॉर्डिंग। और ये बोल है हमारा जिसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ। तो चलिए फिर पहले कॉफ़ी 3 टेबल स्पून 3 बड़े चम्मच ले लेते हैं। जितनी भी आपको अमाउंट चाहिए, कम ज़्यादा या एवरेज में कॉफ़ी पेस्ट का, उस हिसाब से आप ये रेशियो रखिए याद। अगर आप 4 चम्मच या 5 चम्मच ले रहे हैं कॉफ़ी, तो उससे जस्ट 1 चम्मच या 2 चम्मच आप ज़्यादा शुगर लेंगे। और उसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, एवरेज में रखना है, ताकि आपका कॉफ़ी पेस्ट वेरी इजली थोड़ा सा थिक बन जाए। तो हम उसके हिसाब से 2, 1 या 3 चम्मच लेंगे दूध का, जब क्योंकि हमें बहुत गीला नहीं करना है, देखिए। और थोड़ा थोड़ा लें तो ज़्यादा बेटर है, आपको भी आइडिया होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो रहा हमारा पेस्ट। तो और शुगर पाउडर मैंने लिया है, शुगर पाउडर जो होता है वो बेटर होता है, क्योंकि वो थोड़ी ईजली वो घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। अगर शुगर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप चीनी लीजिए, चीनी के दानों को, और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, आपका शुगर पाउडर तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने अभी इसे ब्लेंड किया इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर से, थोड़ा सा अभी ड्राई है ये देखिए। और इसमें मैं थोड़ा सा अबाउट 1 टेबल स्पून 1 बड़ा चम्मच दूध और लूँगी, और फिर उसके बाद मुझे मिल्क की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट है। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। मैंने हैंड बीटन कॉफ़ी रेसिपी भी अपलोड की है एंड मिक्सर ग्राइंडर से भी कॉफ़ी पेस्ट बना के अपलोड की, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं श्रद्धा रेसिपीज़ पर कॉफ़ी रेसिपी में। और ये कॉफ़ी पेस्ट आप बना के किसी भी कंटेनर में फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं 1 या 2 या 3 हफ्ते तक, ये ख़राब नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए कितना बढ़िया परफेक्टली हमारा रेडी है। आप जब भी कॉफ़ी, बढ़िया कॉफ़ी पीने का मन है, ये बोल है कंटेनर जिसमें मैं रखने वाली हूँ, तो इसमें इस कॉफ़ी पेस्ट को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो आपको जब कभी भी कॉफ़ी पीने का मन है, जस्ट कप लीजिए, थोड़ा सा दूध गर्म करके शेक कर लीजिए और इस कॉफ़ी पेस्ट को डालिए अपने कप में, और गर्म किया हुआ हल्का सा शेक किया हुआ कॉफ़ी जो मिल्क है वो धीरे धीरे कॉफ़ी पेस्ट में कप में ऐड करिए। और आप कोई भी डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं इस कॉफ़ी से, क्योंकि कॉफ़ी पेस्ट जो होता है थोड़ा थिक होता है, तो ईजिली डिज़ाइन भी बन जाता है और एकदम कैपेचिनो जैसा टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। देखिए दिखने में भी काफ़ी अच्छा है कॉफ़ी पेस्ट। तो अगर आपको शुगर और ज़्यादा चाहिए होगा तो आप टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, मैंने एवरेज लिया है। तो आप इससे कभी भी कोई भी कॉफ़ी डिज़ाइन के साथ टेस्टी यमी कैपेचिनो कॉफ़ी घर पे बना सकते हैं, और आप इसे इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए तो हमारी कॉफ़ी कैपेचिनो पेस्ट की रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग साइट पे यानी shraddharecipes.blogspot.in पे ज़रूर विज़िट करें, जितना हो सके शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर कमेंट्स के थ्रू शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड रेसिपी। थैंक यू।